शोबिज इंडस्ट्री में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके खुद को कामयाबी के जीने तक पहुंचाया और इनकी मेहनत की गवाह पूरी शोबिज इंडस्ट्री है। ऐसा ही एक नाम दानिश तैमूर है। इनके काम के साथ साथ इनकी मारूफ अदाकारा आयजा खान से शादी के चर्चे आज तक सबकी जुबान पर हैं। अपनी जिंदगी के बारे में दानिश तैमूर बताते हैं कि मैं कराची में पैदा हुआ और मेरा छोटा सा घराना था, यानी मेरे वालिदैन और मेरा छोटा भाई जाहिद। उन्होंने बताया कि जामिया कराची से एमबीए करने के बाद मैं बैंक की मुलाजमत ढूंढने के मिशन पर लग गया। मैं बचपन से ही चाहता था कि बड़ा आदमी बनूं, इसलिए तालीम में भरपूर दिल लगाया। शोबिज में आने के हवाले से इन्होंने इंकशाफ किया कि मैं एक दिन बाल कटवाने हेयर स्टाइलिस्ट नबीला के सलून पर गया। वहां पता चला कि उन्हें एक मर्द मॉडल की तलाश थी। उन्होंने मुझे ऑफर की और मैं फौरन मान गया। कहते हैं कि मुझमें खुद एतमादी तो शुरू से ही थी, इसलिए कैमरे के सामने जरा भी ना हिचकिचाया। बस फिर क्या था, मुझे एक के बाद एक कमर्शियल मिलने लगे और मैं मीडिया की दुनिया का मारूफ चेहरा बन गया। अपनी अहलिया आयजा खान से पहली मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि सन 2008 में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करते हुए मेरी मुलाकात आयजा से हुई। मैंने इस हसीन और जमील लड़की को देखते ही दिल दे दिया। हम दोनों के उस वक्त ऑर्कड पर अकाउंट थे। हमने एक दूसरे को ऐड किया और बातचीत शुरू हो गई। हमारी बातचीत का सिलसिला बहुत मासूम था। मैंने आयजा के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, इसके साथ फ्लर्ट नहीं किया। ये मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने इसे शादी की ऑफर भी बहुत जल्द कर दी, लेकिन उसने तो ये मानने से ही इनकार कर दिया कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत कर सकता हूँ। मैंने आयजा को बड़ा यकीन दिलाया और कहा कि मैं उसके घर वालों से मिलना चाहता हूँ। यूँ मेरी मुलाकात आयजा की वालिदा से हुई, लेकिन चूंकि हम दोनों बहुत कम उम्र थे, इसलिए हमारी मोहब्बत का यह सिलसिला वक्ती तौर पर रुक गया। आयजा का भी अभी कॉलेज शुरू हुआ था और मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी। दानिश ने बताया कि हम दोनों के रास्ते कुछ अरसे बाद जुदा हो गए और मुलाकात तो क्या, बातचीत का सिलसिला भी रुक गया। लेकिन जब किस्मत मिलाना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। फिर एक ड्रामे में हम दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला। इस शूट के दौरान हमने वापस एक दूसरे को परखा और जाना, और फिर ये सफर शादी की मंजिल पर ही रुका। 6 साल की ये जान पहचान सन 2014 में रिश्ते की सूरत इख्तियार कर गई। दानिश तैमूर ने अपनी अहलिया की तारीफ करते हुए कहा कि आयजा खान एक मुकम्मल बीवी है। वह जिस तरह अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ईमानदार है, उसी तरह जाती जिंदगी में भी इसका कोई मुकाबला नहीं। वह रात को 3 बजे भी सोए, लेकिन सुबह 7 बजे घर की जिम्मेदारियों के लिए जाग जाती है और उसे हर चीज़ का ख्याल रखता है। हम दोनों की जिंदगी में अब दो नन्हे फूल हैं और लगता है कि मोहब्बत का यह सफर ता उम्र साथ कटेगा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।